नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया अश्पलिया। देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। गृह और विधि विभाग में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, कहा ऐसे कार्यक्रम अब हर संभाग स्तर पर करें आयोजित। पुनिया ने की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक, राहुल के टिप्स और आयोजनों पर किया गया विचार। पार्सल बम कांड के ऑटो चालक पर 25,000 रुपए का इनाम, ओडिशा अपराध शाखा आईजी बोथरा ने की घोषणा। और गौ तस्करी रोकने निकाली गई जागरूकता रैली, प्रदेशवासियों को गौ तस्करी को रोकने किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। सीएम डॉक्टर रमन सिंह गृह और विधि विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस और विधि प्रशासन को वर्तमान की आपराधिक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए टिप्स दिए। साथ ही इसी तरह के कार्यक्रम संभाग स्तर पर भी आयोजित करने की अपील की। जब तक अपराधी के मन में कानून का डर नहीं होगा और न्याय पाने वाले के मन में संतुष्टि नहीं होगी कि अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, जुडिशियल सिस्टम उनके साथ है, तब तक सरकार और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति नहीं बनती है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही। डॉक्टर रमन सिंह गृह और विधि विभाग द्वारा आयोजित न्यायिक अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, लोक अभियोजकों और विवेचना अधिकारियों की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान छत्तीसगढ़ में अपराध के तीन प्रकार गिनाए। पहला तो नक्सलवाद और नक्सलवाद की वजह से जुड़ी घटनाओं पर उन्होंने जोर दिया। वहीं दूसरा आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण पर कहा, जिसकी वजह से बाहर के लोगों का प्रवेश होता है। इनमें कुछ तत्व होते हैं जो अपराध को अंजाम देते हैं, जबकि तीसरा सामान्य तरीके के अपराध, जिसमें चिटफंड, मानव तस्करी, फिरौती और अन्य अपराध शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि विधायी व्यवस्था से जुड़े ऐसे कॉन्फ्रेंस केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि संभाग और जिला स्तर पर भी आयोजित होने चाहिए। स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर, एसपी, कलेक्टर, इनकी पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों की उपस्थिति रही। चीफ जस्टिस साहब ने उसको आज इसका प्रारंभ किया और एक प्रकार से कैसे छत्तीसगढ़ में सस्ता और सुलभ न्याय आम आदमी को उपलब्ध हो, और उसमें ये तीनों अंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है कि अपराधी के मन में खौफ रहे और आम आदमी के मन में सुकून रहे, ये दोनों चीज़ जरूरी है। डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि घटना बड़ी होने के पहले ही उसे रोक देना चाहिए। तात्कालिक घटना को किस तरह से आक्रोश बढ़ने के पहले नियंत्रित कर लिया जाए, अफसर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर उस पर कैसे काबू पाए, उस पर चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में घटनाक्रम की विवेचना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजकल अपराध का अंदाज बदल गया है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा अपराधी अपराध कर रहा है, ऐसे में विवेचना में भी उच्च तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद ही आवश्यक हो गया है। उन्होंने विवेचना करने वाले को टिप्स देते हुए कहा कि विवेचना में न केवल साइंस बल्कि साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि साल 2000 में विधि विधायी विभाग का बजट केवल 16 करोड़ था, जिसे आज बढ़ाकर 641 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही पदों और नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम तय हो गया है। राहुल 17 और 18 मई को प्रदेश में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 17 और 18 मई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से रायपुर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि राहुल गांधी ने दो दिनों के दौरे का अनुमोदन कर दिया है। बिलासपुर और दुर्ग संभाग में संकल्प शिविर में राहुल गांधी बूथ अध्यक्ष, पारा टोला और अनुभाग प्रभारियों से सीधे संवाद करेंगे। राहुल के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का सम्मेलन होगा, इसमें भी राहुल शिरकत करेंगे। सरगुजा संभाग के सीतापुर के किसान सम्मेलन और पेंड्रा के आदिवासी सम्मेलन में भी राहुल शामिल होंगे। 17-18 को राहुल जी का कार्यक्रम है और जब तक कार्यक्रम नहीं आता है तब तक प्रस्तावित है, लेकिन उन्होंने उसका अनुमोदन कर दिया है। जो हमारे संकल्प शिविर का कार्य चल रहा है, उसमें बूथ अध्यक्ष, पारा टोला, अनुभाग प्रभारियों से सीधा संवाद राहुल जी करेंगे और ये बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग में ये होगा, और पंचायती राज सम्मेलन रायपुर में, सीतापुर सरगुजा क्षेत्र में वहाँ पर किसान सम्मेलन होगा,
और पिंडरा में आदिवासी जी आदिवासी। वहीं राहुल गांधी रात्रि विश्राम बिलासपुर में ही करेंगे। राहुल गांधी का पूर्व में सरगुजा के सीतापुर में दौरा तय हो गया था, जो कि कर्नाटक चुनाव में पूर्व से तय शेड्यूल से क्रॉस होने की वजह से एन वक्त पर स्थगित हो गया था। वहीं राहुल गांधी का यह दौरा कुछ इस तरह समायोजित करने का प्रयास है कि राहुल एक लंबा सफर सड़क से भी तय करें। सीतापुर से पेंड्रा हालांकि करीब 200 किलोमीटर से ऊपर का सफर है, जबकि पेंड्रा से बिलासपुर करीब 100 किलोमीटर का सफर है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। चुनावी साल में सभी दल एक दूसरे को तोड़ने और साधने में लगे हैं। सरकार बनाने या सत्ता का संतुलन बनाने में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक बड़े नेता ने एक महीने पहले जोगी से संपर्क किया था। हालांकि जोगी ने इस बात से इनकार किया है। इधर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल भी कह चुके हैं कि जो चला गया उसके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन जमाना गवाह है कि राजनीति के चौसर में स्थायी कुछ भी नहीं होता, दांव बदलते रहते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अजय चंद्राकर ने गुढ़ियारी में नवनिर्मित 30 बिस्तर शहरी स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। शहर के कन्हैयालाल वार्ड में निर्मित इस स्वास्थ्य केंद्र की लागत 58 लाख रुपये है। इसमें मुख्यमंत्री अस्पताल विकास कोष से 48 लाख रुपये और जिला खनिज न्यास निधि से 10 लाख रुपये शामिल हैं। नगर निगम के जर्जर भवन से उच्च चिकित्सा सुविधा युक्त शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाने की सफलता की कहानी लघु फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाई गई। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। इन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं की बैठक लेकर घंटों चर्चा की, साथ ही राहुल गांधी से मिले टिप्स और चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रदेश के नेताओं के साथ लंबी चर्चा की। करीब 3 घंटे चली बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने पार्टी कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा दिया। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव तैयारियों पर चर्चा के लिए प्रदेश के चुनिंदा नेताओं को बुलाया था। इन नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. चरणदास महंत, रविन्द्र चौबे, धनेन्द्र साहू, मोहम्मद अकबर, कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके, डॉ. शिव डहरिया के साथ ही आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज मंडावी भी थे। बैठक में प्रदेश प्रभारी ने संकल्प शिविरों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अब तक 25 शिविर हो चुके हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो समय समय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मिले जुलने का सिलसिला चलता रहता है। आज भी कई प्रदेशों के लोगों से मुलाकात की, जिसमें झारखंड है, उत्तराखंड है और भी प्रदेशों में, और हम लोगों को भी बुलाया था और हर चीज़ की उन्होंने समीक्षा की और कुछ निर्देश भी दिए और सभी से कहा है कि एकजुट होके सरकार लाएं। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा असेसमेंट है कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन एकजुट होके लगेंगे तो और बेहतर तरीके से हम सरकार बनाएंगे, यही सब। चुनाव के नज़दीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में पुनिया भी कांग्रेस की जीत को लेकर जुट चुके हैं। फिलहाल पुनिया की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि इस तरह की बैठकों से पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।